आवाम से रिलीफ का आखिरी सहारा भी छिन गया। मुल्तान के इतवार बाजार में भी महंगाई उरूज पर। खुद लगाए जाने वाले इतवार बाजार में भी अशिया आवाम की पहुंच से बाहर। दुकानदारों का कहना है महंगी मिलने वाली चीजें सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। आपको बताएं आवाम से रिलीफ का आखिरी सहारा भी छिन गया। मुल्तान के इतवार बाजार में भी महंगाई उरूज पर। खुद लगाए जाने वाले इतवार बाजार में भी अशिया आवाम की पहुंच से बाहर है। दुकानदारों का कहना है कि महंगी मिलने वाली चीजें सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। उनका मजीद क्या कहना है आइए आपको सुनवा दें। 20 किलोमीटर सफर करके आया हूँ इधर से ना मंडी से सामान लेने के लिए। हर बंदा इसीलिए आता है कि यहाँ से हमें कोई ना कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आता यहाँ तो डबल आग लगी पड़ी होती है। हमारे उधर दुकानों पे पहले भी इतनी महंगाई होती, यहाँ आते डबल महंगाई होती है। अब मटर जो है वो 400 रुपये किलो, आलू 170 रुपये किलो और जो है गोभी 120 रुपये किलो। जिस चीज़ पे भी हाथ रखे भाई हाथ नहीं लगाने देते वो। गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे कोई शेड वगैरह बना दे ताकि गाहकों को भी आसानी हो और हमें भी आसानी हो। बारिश वगैरह मौसम कोई मसला हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बाद अवकात रोड पे रश लग जाता है, लोगों को भी तंगी होती है, इसलिए ये गवर्नमेंट को चाहिए सारे मामला हल करे। भाई ये 100 रुपए के टमाटर दिए हैं, ये 4 टमाटर है 240 रुपए किलो दे रहे हैं, 200 रुपए किलो प्याज है। बंदा इतनी दूर से चलकर भी आए, कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सबके अपने रेट हैं, मंडी के अपने रेट हैं, लोगों के अपने रेट हैं। कोई तो आकर पता तो करेगा एक इंसान के लिए भी। आप गरीब पैकेज लगा हुआ है ना, ये बाजार लगा हुआ, सारे आके देखें, कोई पूछने वाला नहीं है। मंडी से महंगे लेंगे तो आगे आगे भी महंगा बिकेगा। ग्राहक लेने के लिए आता है वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो गुजारिश ये है भाई इसे कम से कम ऑफर अपना रियायत करके सामान मिला जाए। स्मोग ने मुल्तान शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। स्मोग के बायस मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में मुल्तान का तीसरा नंबर। आंख नाक और गले समेत मुख्तलिफ अमराज जन्म लेने लगे। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत दे दी। शहर मुल्तान में स्मोग बना रोग। इतवार के रोज छुट्टी मनाने वाले सियाह स्मोग से परेशान। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के आलूदा शहरों में मुल्तान का तीसरा नंबर। आंख नाक और गले समेत मुख्तलिफ अमराज जन्म लेने लगे हैं। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। मुल्तान के शहरियों के इस हवाले से क्या कहना है जानेंगे सुहेरा से। सुहेरा आगाह करें। शहर में स्मोग ने डेरे डाल रखे हैं। सुबह का टाइम हो या शाम का वक्त स्मोग की वजह से शहरियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज इतवार का रोज़ है और मुल्तान की जो तफरी गाहें हैं, जो पार्क हैं, यहाँ पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो छुट्टी मनाने के लिए आती है। किला कोना कासिम बाग पर बच्चे और बड़े और ख़वातीन जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन सुबह के वक्त स्मोग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब दिन के वक्त में कुछ कमी वाकिया हुई है, लेकिन शाम के वक्त दोबारा से वही सूरत हाल हो जाएगी। स्मोक की वजह से ना सिर्फ आंखों में इन्फेक्शन बल्कि स्किन की प्रॉब्लम्स और सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे यहाँ पर झूला झूलने के लिए आते हैं या शहरी जो सैर व तफरी के लिए आते हैं खुशगवार माहौल के लिए, उनका इस हवाले से क्या कहना है बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज संडे था, हम सैर व तफरी के लिए आए हुए थे इधर किला कोना कासिम पार्क में, तो यहाँ पर स्मोक काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए कोई इंतजाम होने चाहिए। फैमिली के साथ आते हैं तो आंखों का आजकल वैसे ही डिजीज़ चल रही है, तो इसके लिए इंतजाम करने चाहिए इंतजामिया को। ठीक है, तो बच्चों के लिए या आपके लिए कितनी खतरनाक है? जी ये तो है, काफ़ी ख़तरनाक है और आंखों का ही मसला है इससे, तो हमें कुछ ना कुछ इंतजामिया को है कि इंतजाम करें इसके लिए। ठीक है जी। किले पर ना सिर्फ बड़े और बच्चे बल्कि बुज़ुर्ग जो हैं वो भी सैर व तफरी के लिए आए होते हैं यहाँ पर, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल ख़तरनाक है, पहले जब आते थे बिल्कुल, अब जो है ना आंखों से पानी भी आना लग जाता है और जो है ना सांस में भी घुटन होती है, तो इस वजह से जो है ना स्मोक पे कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत पंजाब को। बच्चों को भी इससे मसला होता होगा आपके साथ? जी जी बिल्कुल, बच्चों को भी मसला होता है, वो तो रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों से जब पानी आता है तो कहते हैं कि जो है ना हमारी आंखें जो है ना उनसे पानी आ रहा है और दर्द हो रहा है, और सामने भी उसका मसला होता है, इसलिए हम जो है ना बच्चों को नहीं लेके आ रहे। अब यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? किले पे आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं आप? खानीवाल से आए हैं। स्मोग है यहाँ पे? स्मोग है, बहुत अच्छी। बुजुर्गों का भी यही कहना है कि स्मोक की वजह से जो है वो सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कई लोग जो हैं वो
चाहे छुट्टी है, बच्चों को जो है वो छुट्टी वाले दिन सैरो तफरी चाहिए होती है, लेकिन शहरियों ने बच्चों को यहाँ पर लाना जो है वो छोड़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, उनको उनके वालदैन जो हैं वो झूला झुलाने के लिए और सैरो तफरी के लिए यहाँ लाए हुए हैं। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि इस हवाले से इंतज़ामिया को कोई ख़ास इंतज़ाम करने चाहिए ताकि जो स्मोग फैल चुकी है उसमें कुछ कमी आ सके। जी सुहेरा, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनकलाक के हवाले से। होल्डिंग सेंटर से गोदा से 9 अफगान बशिंदे तुरखम बॉर्डर रवाना कर दिए गए। होल्डिंग सेंटर में 114 अफराद को लाया गया था। शनाख्त जाहिर करने वाले 105 अफराद को छोड़ दिया गया था। 9 अफगान बशिंदे सिक्योरिटी हिसार में तुरखम बॉर्डर रवाना कर दिए गए। आपको बताएं गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनकलाक। होल्डिंग सेंटर सरगोदा से 9 अफगान बाशिंदे तुरखम बॉर्डर रवाना। होल्डिंग सेंटर में 114 अफराद को लाया गया था। शनाख्त जाहिर करने वाले 105 अफराद को छोड़ दिया गया। 9 अफगान बाशिंदे सिक्योरिटी हिसारी में तुरखम बॉर्डर रवाना हुए। आपको बताएं बहावलपुर में सतलुज दरिया पर मंगवानी पतन के मकीन सफरी सहूलियात से महरूम हैं। मकीन दौरे जदीद में भी कश्तियों पर नकलों हमल करने पर मजबूर हो गए हैं। चीफ ऑफिसर नसरुल्ला का कहना है कि कश्तियों पर मुसाफरों की ओवरलोडिंग की जाती है। ओवरलोडिंग के बायस अब तक कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। चीफ ऑफिसर का हुकाम बाला से पुल की तामीर का मुतालबा किया गया है। आपको बताएं बहावलपुर में सतलुज दरिया पर मंगवानी पतन के मकीन सफरी सहूलियात से महरूम। मकीन दौरे जदीद में भी कश्तियों पर नकलो हमल करने पर मजबूर। चीफ ऑफिसर नसरुल्ला का कहना है कि कश्तियों पर मुसाफिरों की ओवरलोडिंग की जाती है। ओवरलोडिंग के बायस अब तक कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। चीफ ऑफिसर का हुकाम बाला से पुल की तामीर का मुतालबा। आपको अपडेट करें बहावलपुर में सतलुज दरिया पर मंगवानी पतन के मकीन सफरी सहूलियात से महरूम। मकीन दौरे जदीद में भी कश्तियों पर नकलो हमल करने पर मजबूर हैं। कश्तियों पर मुसाफिरों की ओवरलोडिंग की जाती है। कश्तियों पर ओवरलोडिंग के बायस कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे महमूद ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी महमूद, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। जी बहावलपुर के जो जिला काउंसिल की हदूद है उस एरिया में मंगवानी पतन है जो कि दरियाए सतलुज वहाँ से गुजरता है और वहाँ काफी आबादी है जिसको पानी से गुजर कर अपनी आबादी यानी कि अपनी रिहाइश अपनी घरों की तरफ जाना पड़ता है, तो उसके लिए कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन कश्तियों के हवाले से आगाह किया गया है चीफ ऑफिसर नसरुल्ला मलक जिला काउंसिल की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को कि पहले भी कई इनकी जानें ज़ाया हो चुकी हैं इन कश्तियों के सफर करने पर, क्योंकि ओवरलोडिंग की जाती है। ओवरलोडिंग की लेवल की जाती है कि सवारियाँ भी ज़्यादा चढ़ जाती हैं और उनके मोटरसाइकिल या फिर दीगर सामान जो होता है वो भी उस कश्ती पर लाद दिया जाता है, जिसकी वजह से वजन ज़्यादा हो जाता है और वजन ज्यादा होने पर वो अक्सर बेचकर डूबने के खदशात रहते हैं और इससे पहले भी कई वाकयात ऐसे हो चुके हैं जिनमें इनकी जाने तक जाया हो चुकी हैं। तो इस हवाले से आगाह किया गया है कि बावजूद जानवरों से फौरी तौर पर मामले का नोटिस किया जाए और जो लोग भी वहाँ पर वायलेशन कर रहे हैं उनको इस हवाले से रोका जाए, इस मामले का नोटिस दिया जाए। कश्तियों से सफर करने से नहीं रोका जा रहा, लेकिन ओवरलोडिंग करने और उन कश्तियों पर मोटरसाइकिल और दीगर सामान उस पर सवार करके उसको सफर करने के हवाले से आगाह किया जा रहा है कि इसमें एहतियात बरती जाए, जिसके हवाले से कोई तो मुरासला लिख दिया चीफ ऑफिसर नसरुल्ला मलक ने डिप्टी कमिश्नर को। जी जी मुरासला लिख दिया गया है महमूद, बहुत शुक्रिया। थल के रेगजार में नया शहर होगा आबाद। 8वीं थल जीप रैली और मेला 9 नवंबर को शुरू होगा। मेला 9 नवंबर को शुरू होगा। 4 रोजा मेला और जीप रैली 12 नवंबर तक जारी रहेगी। मुल्क के मायानाथ रेसर्स के लिए 200 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार कर लिया गया है और सकाफती प्रोग्राम सयाहों की तवज्जो का मरकज बनेंगे और सहरा अंगेज माहौल में लोक मौसीकी का प्रोग्राम होगा। आपको बता रहे हैं सहरा के सहर अंगेज माहौल में लोक मौसीकी का प्रोग्राम जारी कर दिया जाएगा और घुड़सवारी और नेजाबाजी समेत दीगर मुकाबले भी होंगे और लोक झूमर ऊंट डांस का भी खसूसी इंतजाम हो गया है। आपको बताएं थल के रेगजारों में नया शहर होगा आबाद। 8वें थल जीप रैली और मेला 9 नवंबर को शुरू होगा। 4 रोजा मेला और जीप रैली 12 नवंबर तक जारी रहेगी। मुल्क के मायानाज रेसर के लिए 200 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार। सकाफती प्रोग्राम सयाहों की तवज्जो का मरकज बनेंगे। सहरा के सहर अंगेज माहौल में लोक मौसीकी का प्रोग्राम होगा। घुड़सवारी और नेजाबाजी समेत दीगर मुकाबले होंगे।
लोग झूमर ऊंट डांस का भी खसूसी इंतजाम होगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे, आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर बताइएगा, सिला इंतजामिया लैया की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, खसूसी इंतजाम जो वो किए जा रहे हैं इस बार आठवीं थल जीप रैली के हवाले से। थल के सहरा में ये मेला जो है वो 9 नवंबर से सजने जा रहा है और पहली बार मुख्तलिफ किस्म के इसमें घोड़सवारी, मैजिक शो, इसके अलावा दीगर जो है वो इवेंट्स भी मुनक्किद करवाए जाएंगे। 200 मीटर लंबा ये ट्रैक होगा थल जीप रैली का। 3 अजला पर ये मुश्तमिल जो है वो थल जीप रैली इस बार होगी, जिसमें कोटद्दू जो कि हाल ही में जिला बना है, कुछ कोटद्दू का इलाका शामिल होगा, जबकि जिला मुजफ्फरगढ़ और जिला लैया के 3 अजला के थल के सहरा में ये जीप रैली का रंगारंग मेला जो वो सजेगा, जिसमें मुल्क के नामवर रेसर जो है वो हिस्सा लेंगे। 8 तारीख से ये रेसर जो है वो मुल्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगे और इस हवाले से जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़, जिला इंतजामिया लैया और दीगर इदारों की जानिब से तैयारियाँ जो है वो जारी हैं और इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि 200 मीटर लंबा ट्रैक किया जाएगा, जबकि ट्रैक तैयार किया जा रहा है, जबकि जो इख्तितामी तकरीब है वो मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में मुनक्किद होगी। जी आमिर ये भी ऐड कीजिएगा कि कितने दिन तक ये रैली जारी रहेगी और सयाहों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? सयाहों के लिए इस बार जो है वो खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 रोज ये मेला जो है वो जारी रहेगा, चूंकि 8वीं बार ये फेस्टिवल जो है वो मुनक्किद हो रहा है और हर साल जो है वो जोशो खरोश लोगों का जो है वो बढ़ चढ़ कर इसमें जो वो होता है। इस बार खसूसी इंतजाम ये किए जा रहे हैं कि कैंपिंग विलेज का इनकाद किया जाएगा, जो कि मिड पॉइंट है लैया की तहसील चुबारा, जो मिड पॉइंट होता है इस देश का, वहाँ पर और लैया में जो है वो तमाम तरह इंतजाम किए जा रहे हैं। जबकि जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ भी इस हवाले से जो है वो तैयारियां कर रही है। अगर मैं इस रेस के बारे में आपको बताऊं तो रेस जो है वो 3 दिन पर जो है मुश्तमिल होगी, जिनमें खवातीन रेसर्स भी हिस्सा लेंगी, क्योंकि पिछले साल भी खवातीन रेसर्स ने हिस्सा लिया था और खवातीन जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत मायने रखती हैं। इसके अलावा स्टॉक कैटेगरी की रेस होगी, पहले दिन जो है वो क्वालिफाइंग राउंड खेला जाएगा, जबकि सबसे बड़ी और जो आखिरी रेस होगी, जो फाइनल दिन जो है वो मुनक्किद की जाएगी, उनमें प्रीपेयर्ड कैटेगरी के जो बड़े रेसर्स हैं जिनमें मीर नादिर मक्सी है, रोनी पटेल है, आसिफ हैं, इसके अलावा जैन महमूद हैं जो कि एक बार फाते भी रह चुके हैं, वो तमाम सर रेसर जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे। इस हवाले से जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, ना सिर्फ जनूबी पंजाब भर से आते हैं, बल्कि पिछली बार हमने ये देखा था गुज़िश्ता साल के कराची से भी कुछ फैमिलीज यहाँ पर आई हुई थी, उनके लिए कैंपिंग विलेज का इनकार किया गया, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जाते हैं, चूंकि एक लंबा ट्रैक है और थल के सहरा में खसूसी इंतजाम की जरूरत होती है, इसलिए पूरे ट्रैक पर जो है वो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जी खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं, आमिर बहुत शुक्रिया आपका।